हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की चर्चा का विषय है 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम लोग 10 का दम वाली सीरीज में करने वाले हैं और ये है इस वीडियो का पार्ट वन। और इस सीरीज में हम लोग पर डे यानी कि प्रत्येक दिन एक पार्ट करेंगे और आज से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और ये है इसका पार्ट वन। तो पहला प्रश्न है इसमें कि रात्रिकालीन डाकघरों के समय में कब तक बढ़ोतरी की जा सकती है। आपको सिंपली प्रश्न को पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद में अपना जो आंसर है उसे करने की कोशिश करना है और अगर आपका आंसर सही है तो मैच कर सकते हो अपने आंसर से। तो प्रश्न का इस प्रश्न के लिए आंसर ये है कि रात्रिकालीन डाकघरों के समय में डीजी पोस्ट के द्वारा यानी कि महानिदेशक के द्वारा समय में बढ़ोतरी की जाती है और इस समय को बढ़ा करके रात 8:30 बजे तक बढ़ाया जा सकता है। जनरली यानी कि सामान्यतः रात्रिकालीन डाकघरों के समय का जो निर्धारण है कि रात्रिकालीन डाकघर कब से कब तक खुलेंगे, इसका जो निर्धारण है टाइम टेबल है उसे हेड ऑफ द सर्किल यानी कि सर्किल प्रमुख के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन जब बात बढ़ोतरी की आती है, समय में एक्सटेंशन की बात आती है, तो डीजी पोस्ट के ऑर्डर से यानी कि महानिदेशक के ऑर्डर से समय में बढ़ोतरी की जाती है और रात 8:30 बजे तक के समय को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न ये पूछा जाता है कि रात्रिकालीन डाकघरों के समय में बढ़ोतरी किन के आदेशों से की जाती है, तो उसका आंसर होगा डीजी पोस्ट। और प्रश्न ये पूछा जाता है कि रात्रिकालीन डाकघरों के समय का निर्धारण सामान्यतः कौन करता है, तो उस पर प्रश्न का सही आंसर होगा हेड ऑफ द सर्किल या फिर CPMG भी कह सकते हैं, क्योंकि हेड ऑफ द सर्किल कौन होते हैं, हेड ऑफ द सर्किल होते हैं CPMG, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। प्रश्न नंबर दो में पूछा गया है कि फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित है, यानी कि पूछा गया है कि फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित दोनों में से कौन से शब्द हैं, तो फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई दोनों शब्द ही फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंकिंग मशीन का संबंध वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई दोनों से ही है। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि डाक विभाग का प्रमुख कौन होता है, यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डाक विभाग का प्रमुख कौन होता है, तो डाक विभाग का जो प्रमुख होता है वो होता है सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अगर वहीं पूछा जाता है कि डाक विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, यानी कि प्रश्न यहाँ से क्या पूछा जाता है, डाक विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है, तो उस समय आंसर क्या होता है, उस समय आंसर होता है महानिदेशक डाक विभाग। प्रश्न पूछा गया है आपसे कि डाक विभाग का प्रमुख कौन होता है, तो उस समय आंसर आपका आएगा सचिव डाक विभाग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि एक मनी ऑर्डर अधिकतम कितनी राशि तक भेजा जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम लिमिट क्या होती है एक मनी ऑर्डर को बुक करने की। तो एक मनी ऑर्डर से अगर कोई पैसा भेजना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है, तो मैक्सिमम जो लिमिट है पैसा ट्रांसफर करने की वो है EMO की 5,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और मिनिमम की लिमिट क्या है, तो मिनिमम की लिमिट है 1 रुपये, कम से कम 1 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक की राशि EMO के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के माध्यम से भेजी जा सकती है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो मनी ऑर्डर भेजने वाला जो व्यक्ति होता है, मनी ऑर्डर जो भेजने वाला व्यक्ति होता है और एक व्यक्ति होगा पाने वाला, यानी कि मनी ऑर्डर भेजने वाला और पाने वाला, तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि मनी ऑर्डर भेजने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं और पाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर पूछा गया है कि एक अपंजीकृत पार्सल अधिकतम कितने वजन तक का भेजा जा सकता है, यानी कि पूछा गया है कि एक पार्सल को अगर अनरजिस्टर्ड भेजना है तो उसे अधिकतम कितने वजन तक भेज सकते हैं, तो उसकी जो सीमा है एक पार्सल को अपंजीकृत भेजने की, तो उसकी सीमा है 4 किलोग्राम तक, यानी कि अगर कोई पार्सल 4 किलोग्राम तक का है तो उसे अपंजीकृत पार्सल के रूप में भी भेज सकते हैं। वहीं अगर इससे ज़्यादा वजन होता है तो उसे पंजीकृत करवा कर ही उस पार्सल को भेजा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और मैक्सिमम वेट लिमिट होती है एक पार्सल जो कि रजिस्टर्ड पार्सल होता है उसके लिए
मैक्सिमम वेट की लिमिट होती है वो होती है 20 किलोग्राम। वहीं अगर किसी ब्रांच ऑफिस से उसे बुक या फिर ब्रांच ऑफिस से उसे बुक किया जाए या फिर उसकी डिलीवरी बीओ के ब्रांच ऑफिस के किसी भी डाक वितरण क्षेत्र में होनी हो तो उसके लिए जो वेट लिमिट है वो घटकर रह जाती है 10 किलोग्राम तक की एक पंजीकृत पार्सल के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि पैकिंग संबंधी नियम डाकघर गाइड भाग 1 के किस नियम में उल्लिखित हैं, यानी कि पैकिंग संबंधी जो रूल्स हैं वो पीओ गाइड पार्ट 1 के किस रूल में है या किस क्लॉज में है, तो पैकिंग संबंधी जो नियम है वो क्लॉज नंबर 15 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। पैकिंग से संबंधित जो भी नियम है किस डाक को कैसे पैक करना है उसके जो नियम है वो पीओ गाइड पार्ट 1 के क्लॉज नंबर 15 में दिए हुए हैं, तो इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि विदेशी डाक लेटर मेल और पार्सल मेल दोनों के संदर्भ में पूछा गया है कि एक आर्टिकल के पोस्ट करने के कितने दिनों बाद पूछताछ और शिकायत की जा सकती है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक आर्टिकल को पोस्ट करता है फॉरन पोस्ट में, चाहे वो लेटर मेल का आर्टिकल हो या पार्सल मेल का हो, अगर वो चाहते हैं उससे संबंधित कोई इंक्वायरीज या फिर कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम लिमिट क्या है, तो उसके लिए टाइम लिमिट होती है कि 1 वर्ष तक, यानी कि पोस्ट करने के 1 वर्ष के अंतर्गत, 1 वर्ष के अंदर अंदर, यानी कि जब से पोस्ट करेंगे और 1 साल के समय होने तक जितना भी टाइम पीरियड ये जो बीच वाला है इसमें कोई व्यक्ति अपने लेटर मेल या पार्सल मेल के आर्टिकल के बारे में पूछताछ भी कर सकता है, इंक्वायरीज कर सकता है, कंप्लेंट भी कर सकता है, तो इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि विदेश डाक के संदर्भ में एक मनी ऑर्डर जारी करने के कितने दिनों बाद उससे संबंधित पूछताछ और शिकायत की जा सकती है, अगर कोई मनी ऑर्डर फॉरन पोस्ट के फॉरन के लिए भेजा जाता है, विदेशों के लिए भेजा जाता है, तो उससे संबंधित अगर कोई इंक्वायरीज या कंप्लेंट होती है तो वो कितने दिनों तक की जा सकती है, यानी कि एक मनी ऑर्डर जब से इशू कर किया जाएगा उससे लेकर के मैक्सिमम टाइम कितना होता है कि इसके भीतर भीतर उसकी शिकायत या पूछताछ की जा सकती है, तो उसके लिए भी जो टाइम लिमिट होती है वो होती है 1 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष के समय तक जारी करने के समय से लेकर के 1 वर्ष तक का जो समय है उस समय के भीतर भीतर तक एक मनी ऑर्डर के बारे में पूछताछ की जा सकती है और शिकायत भी कस्टमर कर सकता है, यानी कि इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि कस्टम डिक्लेरेशन के जो फॉर्म होते हैं, कस्टम फॉर्म्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उससे संबंधित सही कथन को चुनना है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि CN22 जो फॉर्म है उसे यूज करते हैं कब, जब कोई भी आर्टिकल जिसकी HDR वैल्यू 300 से नीचे होती है तब यूज करते हैं, बिल्कुल सही कथन है। अगर CN22 फॉर्म यूज करना है कस्टम डिक्लेरेशन से संबंधित, दो फॉर्म होते हैं CN22 और CN23, दोनों को अलग अलग जगह यूज किया जाता है। CN22 को यूज करते हैं अगर किसी आर्टिकल की वैल्यू 300 HDR से कम होती है तो उस समय यूज करते हैं CN22 नंबर के फॉर्म को। CN23 के फॉर्म को कब यूज करते हैं, तो उसे यूज करते हैं अगर किसी आर्टिकल का जो HDR वैल्यू है वो या तो 300 हो या 300 से ज्यादा हो, तो उस समय यूज किया जाएगा CN23 नंबर के फॉर्म को, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिटेल सेवाएं डाक विभाग द्वारा दी जाती हैं, तो डाक विभाग के द्वारा कौन कौन सी रिटेल सेवाएं दी जाती है ये प्रश्न पूछा गया है, तो आधार नामांकन और सुधार, यानी कि आधार की जो एनरोलमेंट है और अपडेशन का कार्य है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा भी किया जाता है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं जिनके तहत पासपोर्ट भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा बनाए जाते हैं, और गंगा जल की सेवा भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा जनता तक दी जाती है, ग्राहकों को दी जाती है, इसलिए ये तीनों ही सर्विसेज जो कि रिटेल सर्विसेज हैं वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा दी जाती हैं, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सेवाएं डाक विभाग के द्वारा दी जाती हैं। और इसी नोट पर 10 के दम का पार्ट 1 को करता हूँ मैं एंड, ये है अंत इस वीडियो का, धन्यवाद।